नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरेकल थंडर की मैं थोड़ी सी अपडेट की बात करना चाहूँगा कि मिरेकल थंडर का जो अपडेट चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो आपने मिरेकल थंडर इंस्टॉल किया है, जो आपने मिरेकल थंडर को अपडेट किया है, वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे आप कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे मिरेकल जीएसएम। मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो मैं इसका मोटिव ये है दिखाने का कि अगर आप मिरेकल थंडर ने आपने अपडेट किया है और आपका नहीं चल रहा है, जिनका चल रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिनका नहीं चल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो आप वही मिरेकल में जाएंगे और आप देखेंगे कि मिरेकल का नया अपडेट आ चुका है। मिरेकल का अपडेट आ चुका है 3.5 अपडेट आ चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मिरेकल का अपडेट आ चुका है तो आप सिंपली यहाँ पे ही जाएंगे, जैसा कि आप सभी लोग जाते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको एक टैब खुल जाएगा। मैं वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, होगा सारी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करके दिखाएंगे। तो आप अगर न्यू यूज़र हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरेकल थंडर एडिशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे 1 GB की फाइल है और ये 94 MB की फाइल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.4 से 4.5 आप थंडर को डाउनलोड करेंगे, और क्योंकि आप ओल्ड यूज़र हैं ऑलरेडी, आपको अपडेट करना है मैनुअली, 110 MB का है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे डाउनलोड करके स्टैक कर लिया है। तो इस फाइलों को जाहिर सी बात है आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप उसको मिरेकल टीम में आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्त कि कैसे उसको अपडेट करते हैं एक बार और जल्दी से। यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप जाएंगे मिरेकल टीम के लोकेशन पे, और मिरेकल टीम के लोकेशन पे जाके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जैसे कि आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको कॉपी एंड रिप्लेस करना है। कॉपी एंड रिप्लेस करने के बाद कॉपी एंड रिप्लेस फिर से करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉपी एंड रिप्लेस कर दिया है, तो कॉपी एंड रिप्लेस फिर से अगेन करना है, यस कॉपी एंड रिप्लेस। तो एक बार मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और कॉपी एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यस करना है, हमने जैसे यहाँ पे यस कर दिया फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि आप मैनुअली हम जो मिरेकल का 3.5 जो अपडेट आया, 3.4 से 3.5 अपडेट आया, मैंने मिरेकल थंडर को लगा लिया है। अब मिरेकल थंडर को ओपन करेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है कि कैसे मिरेकल थंडर को मैन्युअली आप अपडेट करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताया हूँ कि मिरेकल थंडर को मैन्युअली आप कैसे अपडेट करते हैं सारी चीज़ें फ्रेंड्स। अब देखिए ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 मैन्युअली अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3.5 मैन्युअली अपडेट हो गया है। अब देखते हैं फ्रेंड, किसी किसी का वर्क कर रहा होगा, किसी का वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उसे हम कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको देखेंगे। क्योंकि आपने मैन्युअली अपडेट कर दिया है फिर भी कुछ सेटअप में एरर आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स आपने अपडेट कर भी दिया है तो भी यहाँ पे एरर बता रहा है कि न्यू वर्जन को आप एक्टिवेट करिए। तो सो प्लीज इस वीडियो को आगे तक देखिए, हम इसको कैसे इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे दो फाइल एक डाउनलोड करके रखी है नया अपडेट की। एक फाइल ये जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फाइल ये देख सकते हैं मिरेकल थंडर। अब मैं इसको स्टैक करूंगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने एक दो फाइल डाउनलोड की है अभी, जस्ट मैंने इसको स्टैक किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको स्टैक किया हुआ है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद हम देखते हैं सारी चीजें। मिरेकल थंडर हमने ये स्टैक किया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने एक फाइल हमने ली थी, और फाइल लेने के बाद हमने इस डाउनलोड किया हुआ है। इस डाउनलोड की लिंक अगर ये काम करती है तो मैं इसकी लिंक आपके अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा और आप भी करिएगा। तो मैंने ये देखा है, तो अब इसको फ्रेंड्स हमने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके अब लोकेशन पे जाना है, फाइल लोकेशन, अब इसको पेस्ट कर देना है फ्रेंड्स, रिप्लेस कर देना है। अब हमने जैसा कि रिप्लेस कर दिया है, अब इसको फिर से दोबारा अगेन हम इसको रन करेंगे फ्रेंड्स। ये मैं आपको लाइव, जो कि अभी करंट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बहुत सारे यूट्यूबर जो भी रहता है इसको अपडेट आफ्टर अपडेट नहीं हो पाती है, तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाइव करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखते हैं हमारा वर्क करता है कि नहीं। स्टॉप कोरोना, स्टे होम, स्टे सेफ, वी विल बी फाइट। देखिए सब बोल रहे हैं कि आप घर में रहिए
और सेफ रहिए। तो मैंने एक चीज़ अपडेट की है, और सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नया अपडेट था जो कि मैं आपको करंट में दिया, और ये प्रॉब्लम्स आ रही थी और ये प्रॉब्लम्स आ भी रहा होगा। और ये फाइल मुझे कहाँ से मिली है फ्रेंड्स, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाइए और यहाँ उसको उस फाइल को डाउनलोड करिए और आप उसको उस फाइल को भी डालिए, आपका अपडेट हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं दो चीज़ों की लिंक डाल दूंगा जो अपडेट हुई हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अभी न्यू वीडियो है, मैं आपको बता दूँ अभी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। मैं अभी करंट आपके लिए तुरंत ये वीडियो देख करके यहाँ पे मैंने इसको आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल किया हूँ, और लाइव प्रैक्टिकल करने के बाद वो सारी चीज़ें मैं आफ्टर अपडेट जैसे आप करते हैं उसके बाद। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा फ्रेंड्स जो आपका 3.5 देख लीजिएगा, किसी का नहीं चल रहा होगा और क्यों नहीं चल रहा होगा, लोडर का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो मैंने उसको इजिली वन क्लिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उसको चालू कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मैं आपको फिर से बता दूंगा, एक बार रिपीट कर दूंगा कि क्या क्या करना होता है, सारी चीज़ें एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो देखिएगा हमारा ये 3.5 ओपन हो गया, आपका 3.5 ओपन नहीं हो रहा होगा एज अ फ्रेंड। मैंने 3.5 ओपन किया है, आपका 3.5 ओपन नहीं हो रहा होगा। आप 3.5 को ओपन करने के लिए ये प्रोसेस पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखें कि ये कैसे होता है, कैसे ओपन होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।